नमस्कार दोस्तों, आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि अगर आपकी रैम ख़राब हो रही है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि जिससे आपकी रैम ठीक हो जाए। आपने देखा कि आपने कंप्यूटर ऑन किया तो उसमें बीप आ रही है, आवाज़ टू टू की आवाज़ आ रही है, तो उसका अर्थ है कि आपकी रैम ख़राब हो रही है। तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि आपको इंजीनियर आप कंप्यूटर इंजीनियर भी नहीं है, तो आपने क्या करना है, रैम की जो कॉमन प्रॉब्लम होती है उसमें डस्ट आ जाती है, या इसके साथ कहीं ना कहीं वो लग जाता है, डस्ट हो जाती है, धूल मिट्टी या जंग लग जाता है। तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि ये अल्कोहल है, इसको कहते हैं आइसोप्रोफाइल अल्कोहल, इसको हमने क्या करना है, इस ब्रश के ऊपर डालना है, या तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, रैम के ऊपर भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाल दिया। इसको बिल्कुल गीला कर देना है, आप देख रहे हैं आपको लिक्विड दिख रहा है, तो ये लग आपको दोनों गीली दिख रही है। इसके ऊपर हमने फिर इसको साफ करना है, ऐसे पूरा साफ करना है। इसके बाद हमने कपड़ा लेना है, फिर हमने इसको कपड़े से साफ करना है। इससे क्या होता है कि जो इसकी चिप होती है वो डस्ट आ जाती है, डस्ट को पकड़ लेती है, डस्ट आने से फिर ये डिस्प्ले नहीं देता है। फिर हम इसको कंप्यूटर में लगाते हैं तो कंप्यूटर हमारा ऑन हो जाता है। तो दोस्तों, फिर हमने कपड़ा लेना है कॉटन का, इसको तो कैसे करते हैं साफ देखना भी ध्यान से। तो हमने ऐसे करना है, तो दोस्तों आज आप लोगों ने इस वीडियो में सीखा कि अगर हमारी रैम ख़राब हो रही तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखना है, अपने जब रैम आपकी गीली है तो आपने इसको पंखे से सुखा लेना है, इसको धूप में रखना है, तभी आपने कंप्यूटर में लगाना, ना कि आपने यहाँ से साफ़ किया और कंप्यूटर में लगा दिया तो जिससे आपका कंप्यूटर जल जाएगा, क्योंकि ये जब तक गीली रहेगी तब तक इसको कंप्यूटर को जला देगी। सूख जाने के बाद आपने इसको कंप्यूटर में लगाना है। तो दोस्तों आज आप लोगों ने सीखा कि हम अब कैसे अपनी रैम को ठीक कर सकते हैं और उसका किसी से कैसे कैसे हम उसको ठीक करते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।